चलिए ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की पुलिस से भी झड़प हुई है। पुलिस ने वर्कर्स पर वाटर कैनन भी चलाया। वेतन बढ़ाने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। आप देखिए, कल भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जब आंगनबाड़ी सेविकाएं किस तरह से सड़कों पर उतर आई थी, प्रदर्शन कर रही थी, और आज भी इसी तरह की तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं जो वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। और देखिए, दो तस्वीरें के टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ वाटर कैनन से उन्हें पीछे खदेड़ते हुए महिला पुलिसकर्मियों को भी आप देख रहे हैं, जो लगातार महिलाओं को वहां से हटा रहे हैं। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं पटना से। आप सीधी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर आक्रोश है आंगनबाड़ी सेविकाओं में। वेतन बढ़ोतरी समेत तमाम अन्य मांगे हैं, जिसको लेकर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं इस वक्त सड़कों पर हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। आप देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि मांग कल से लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं और आज भी कमोबेश वही स्थिति, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन? जी बिल्कुल, देखिए लगातार आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो प्रदर्शन है पटना में जारी है और पिछले चार दिनों से इन लोगों ने अस्त व्यस्त कर रखा है। ये हजारों की तादाद में पटना पहुंची हैं और लगातार पटना के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही हैं। आज सुबह ये अचानक आरजेडी दफ्तर के पास पहुंच गई और वहां पे उन्होंने आरजेडी दफ्तर का घेराव करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद वहाँ पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इन्हें हटाना पड़ा। फिलहाल ये बीजेपी दफ्तर के बगल का नजारा है, जहाँ पे सड़क पर इन्हें घेराबंदी करके रोका गया है, और लेकिन लगातार जो है अपना और प्रदर्शन जारी रख रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है, लेकिन ये महिलाएं वहाँ मानने को तैयार नहीं हो रही और लगातार इनका प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। देखिए कितने तादाद में ये महिलाएं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे ये हैं और लगातार ये अपनी मांगे यहाँ रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे ठीक है अमिताभ, आप बने रहेगा, आगे भी आपसे इस पर तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहेगा न्यूज 24।